गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियास ब्यूटी जोन। कैसे हैं आप सब? आज का ये वीडियो है स्पेशल वीडियो फॉर स्किन केयर। तो अगर आप इंटरेस्टेड है देखने में एक अच्छा स्किन केयर वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको कुछ नए प्रोडक्ट्स भी बताऊंगी, क्योंकि विंटर्स आ चुके हैं नॉर्दर्न इंडिया में और हमारी स्किन काफी ज्यादा ड्राई होने लगती है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्किन टाइप दैट यू हैव, आपको अपनी स्किन का एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ता है, बिकॉज बाहर की हवा में ऐसी ठंड है वो आपकी स्किन से नमी को दूर कर देती है। इस तरह का ड्राइनेस है मौसम में अभी कि आपको बहुत ही ज़्यादा नरिशिंग और हेल्दी स्किन केयर रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत है। तो मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा नरिशिंग होने वाले हैं आपकी स्किन के लिए, क्योंकि ये 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, मेड इन इंडिया, हैशटैग वोकल फॉर लोकल्स भी है, और मैं आपको अपना स्किन केयर भी करके दिखाऊंगी इससे। अगर आपको पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द बाइंग लिंक्स। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बाय द वे, आपको कैसा लग रहा है मेरा आज का लुक? ये पॉप ऑफ कलर देख रहे हो आप? इस मेकअप लुक को मैंने इन शॉर्ट शूट किया है ऑन माय इंस्टाग्राम, आई एम गोइंग टू पुट इट अप वेरी सुपर सून। तो शुरू करते हैं, तीन स्टेप्स का स्किन केयर करने वाली हूँ मैं आपको बताऊंगी, जो आप विंटर्स में फॉलो कर सकते हो टू गेट अ वेरी सॉफ्ट एंड वेल नरिश स्किन। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा फेस वॉश करने का, राइट? मैं जो आज आपके साथ प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूँ वो है JMD मेडिको प्रोडक्ट्स। JMD के बारे में मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ। ये एक मुंबई बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, विच इज 100% आयुर्वेदिक हर्बल बेस्ड कंपनी। मतलब ये सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कि मैन्युफैक्चरिंग होती है उत्तराखंड में, हरिद्वार में, और वहाँ पर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने जो रिसर्च करी है उसके अकॉर्डिंगली वो कॉम्बिनेशंस बनाते हैं इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए, जो उनसे हटकर हैं, जो आपको मार्केट में विद केमिकल्स एंड लॉट ऑफ ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं दैट कैन हैव हार्मफुल और साइड इफेक्ट्स ऑन योर फेस एंड योर स्किन। तो ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इनके प्राइसेस भी बहुत ही अफोर्डेबल रेंज के हैं, पॉकेट फ्रेंडली, आप इजीली बाय कर सकते हैं, और आपको बाइंग लिंक्स भी मैं दूंगी। तो हम स्टेप नंबर 1 से शुरू करते हैं। सबसे पहले है फेस वॉश का स्टेप, एंड फॉर दैट दे हैव दिस JMD द वंडर ऑफ आयुर्वेदा ओटाइन एंटी एक्ने फेस वॉश। इसकी बैक साइड पे पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशनड है और इसका प्राइस है ओनली ₹190। इसमें आपको प्रोडक्ट की नेट वॉल्यूम मिलेगी 60 grams, 100% हर्बल प्रोडक्ट है। तो ये आयुर्वेदिक रेसिपी में इन्होंने जो चार मेन इंग्रेडिएंट्स इस एंटी एक्ने फेस वॉश में डाले हैं वो है नीम, हल्दी, तुलसी और मुलेठी। इन सब के बेनिफिट्स तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, आप इतने सारे DIY वीडियोस भी देखते हो, लेकिन किस मात्रा में इनका कॉम्बिनेशन जब बनेगा तो वो आपके स्किन के लिए बेस्ट होगा, यही रिसर्च करते हैं JMD के आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, जिसकी बेसिस पे बनते हैं ये प्रोडक्ट्स। तो आप कह सकते हो इनको मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स हैं। और भी बहुत सारी चीजें JMD हाउस में बनती हैं, जैसे कि हेल्थ टैबलेट्स, हेल्थ सिरप्स, ऐसी चीजें भी। तो मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखाती हूँ, एंड लेट्स वॉश आवर फेस विद दिस। तो आप इसका टेक्सचर देख सकते हो, ट्रांसपेरेंट जेली लाइट टेक्सचर है, बहुत ही लाइट सा ग्रीन कलर है इसके अंदर। ये आपके स्किन को फ्रेश, सॉफ्ट बनाता है, ब्यूटीफुल, आपके स्किन से एक्ने को दूर रखता है, पिंपल्स और रिंकल्स की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। तो मैं अपने फेस, और इसका काफी अच्छा लेदर फेस पर हो जाता है, बहुत ही अच्छे से रिंस ऑफ होगा, आपके स्किन से सारा डर्ट एंड ग्राइम निकल जाएगा। अगर आपके फेस पे सनबर्न भी है या आपके फेस पे ओवर ड्राइनेस है तो ये आपके फेस को हाइड्रेट भी करेगा। तो अच्छे से 2 मिनट मसाज करने के बाद आई जस्ट वॉश इट अवे एंड टॉवल से पैट ड्राई कर लूंगी। तो आप मेरे फेस को इंस्टेंटली देख सकते हो, काफी सुपर क्लीन फील हो रहा है। कैमरा में आप वो चीज देख सकते हो या नहीं, आई एम नॉट टू श्योर, बट आई कैन फील इट हैज डीपली क्लेंस्ड माई स्किन। बहुत ही माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है नेचुरल एक्सट्रैक्ट की वजह से, और बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू है इसकी। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा हो गया, 3 इजी से स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। सेकेंड स्टेप इज माई फेवरेट स्टेप, दैट इज एलोवेरा जेल मसाज। उसके लिए मेरे पास है JMD द वंडर ऑफ आयुर्वेदा का ये एलोवेरा जेल। इसके अंदर आपको 100 ग्राम क्वांटिटी मिल रही है, दिस इज हेल्पफुल इन योर स्किन नरिशमेंट। इसके अंदर मेनली है एलोवेरा पल्प, हल्दी, केसर एंड ग्लिसरीन, जिसकी वजह से ये आपके स्किन को बहुत ही ज्यादा अच्छे से नरिश, हाइड्रेट और सॉफ्ट करने में हेल्प करता है। एलोवेरा जेल से मसाज करना ये मेरा फेवरेट स्टेप है, आप सबको पता होगा अगर आप मेरे स्किन केयर वीडियोस देखते हो तो।
काफी थिक कंसिस्टेंसी है इस जेल की, तो इसे मैं अपने फेस पे अप्लाई करूंगी और इससे करूंगी थोड़ी सी मसाज। अलग अलग साइड से अच्छे से अपनी स्किन को लिफ्ट करना है, सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है, अपनी स्किन को रिलैक्स करना है ताकि मेरी स्किन के अंदर की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाए, जिसकी वजह से मेरे फेस पर आपको एक ग्लो नजर आएगा व्हेन आई फिनिश डूइंग दिस मसाज। पूरे अच्छे से प्रेशर पॉइंट्स को भी आप प्रेस करो जब मसाज का आपने मौका लिया ही है, चाहे वो एलोवेरा जेल से है या किसी भी चीज से, तो अपने फेस फेशियल प्रेशर पॉइंट्स को जरूर प्रेस करो। उससे आपका फेस इतना रिलैक्स हो जाता है कि ग्लो अंदर से निकल के आता है। एंड ट्रस्ट मी, इसका एलोवेरा जेल रियली बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फील देगा आपको। इसकी खुशबू भी इतनी माइल्ड सी है, बहुत ही प्लीजिंग और रिलैक्सिंग खुशबू है। आफ्टर मसाज मेरा स्किन कैसा लग रहा है? लग रहा है ना एक ग्लो आ गया है, मेरी स्किन बहुत ही सॉफ्ट फील कर रही है, बहुत ही ज़्यादा सपल फील कर रही है। तो ये दूसरा स्टेप था। और फाइनल स्टेप है, हमें लॉक करना है अपने स्किन केयर को बाय अप्लाइंग अ गुड मॉइस्चराइजर क्रीम। तो उसके लिए है हमारे पास JMD ओटाइन फ्यूराकॉल सी क्रीम। इस क्रीम के मेन इंग्रेडिएंट्स हैं गुलाब का अर्क, सैंडलवुड का ऑयल और हल्दी के एक्सट्रैक्ट्स हैं। इसमें कुकुम्बर है, ये हेल्प करता है आपके रिंकल्स को रिमूव करने में, एक्ने को कम करता है और आपके फेस पर जितने भी डार्क स्पॉट्स या डार्क मार्क्स हैं उसको धीरे धीरे लाइटन अप करता है, स्किन को हील करता है अगर आपकी स्किन पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम या डिजीज है, स्किन को नरिश करता है एंड इट गिव्स यू अ ग्लोरियस एंड यंग लुक। इसका भी काफी थिक क्रीम का टेक्सचर है, तो मैं अपने फेस पर अप्लाई करके इसको पूरा ओवरऑल स्प्रेड करूंगी, अच्छे से अपने स्किन के अंदर मसाज करूंगी इस क्रीम को, एंड विद इन अ मिनट ये गायब हो जाएगी बिकॉज योर स्किन इज गोइंग टू एब्जॉर्ब इट कम्प्लीटली। विंटर्स में जिस तरह की हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजिंग क्रीम की जरूरत होती है ना, ये उसी तरह की मेडिकेटेड क्रीम है, हर स्किन टाइप को सूट करने वाली और आपकी बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करने वाली। तो मैंने अच्छे से इस क्रीम को भी अपनी स्किन में एब्जॉर्ब कर दिया एंड नाउ यू कैन सी द फाइनल टेक्सचर ऑफ माई स्किन। कैसा लग रहा है ना? अच्छा, बढ़िया। इसी छोटे से मिनी स्किन केयर को करने के बाद मैंने ये हल्का फुल्का सा मेकअप किया है और आप मेरे फेस पर ग्लो देख सकते हो। मैंने हाइलाइटर अप्लाई नहीं किया आज के मेकअप में। इफ़ यू वॉच माई इंस्टाग्राम रील जिसमें मैंने ये मेकअप दिखाया, आप देखेंगे मैंने कोई हाइलाइटर यूज़ नहीं किया है, बट इट हैज़ गिवन सच शाइन ऑन माई फेस। बहुत ही अच्छा ग्लो आ गया मेरी स्किन पे इतने दिनों के बाद इस तरह का स्किन केयर करके, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं JMD के ये प्रोडक्ट्स, तो बाइंग लिंक ज़रूर चेक करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 100% हर्बल और आयुर्वेदिक है, इसलिए स्किन सेफ है, स्किन फ्रेंडली है, आप ट्राई कर सकते हो। तो चलो, मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में जल्दी ही। तब तक अपना ख्याल रखना एंड स्टे ब्लेस्ड। लव यू, बाय।